जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। उषा के किचन में आप मन के स्वागत है। तो आज बनाएंगे हम हमर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चीला रोटी। चीला बनाए बार हम ले हन एक कटोरी चावल आटा, मेथी पत्ती, मिर्च, धनिया पत्ती। हम चावल आटा और मेथी पत्ती के चीला बनेंगे संगवारी हो। सबसे पहले हम मेथी पत्ती ला टुकड़ा टुकड़ा में काट लेंगे। मेथी पत्ती ला हम हाँ धो ले हैं संगवारी हो, पहले से बारीक बारीक काट लेंगे। हम धनिया पत्ती ला भी काट लेंगे। मेथी पत्ती और धनिया पत्ती ला बारीक बारीक काट ले हैं। अब एक खाली बर्तन ले लेते हैं। खाली बर्तन में चावल आटा रख देते हैं, पानी डाल देते हैं। हम चावल आटा के घोल बनाएंगे। चावल आटा के घोल बना ले हैं, ये देखो। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच नमक डालेंगे, हरी मिर्च, मेथी पत्ती, धनिया पत्ती, तीनों ला अच्छा से मिक्स कर लेंगे। घोल बन गए संगवारी हो। गैस जला ले हैं, तवा हा गरम हो गए हैं। अब डाल देते हैं तेल। तेल ला हम अच्छा से फैला देंगे तवा में। अब जो हम घोल तैयार करे हैं चीला वर, ओला डालेंगे। तवा में फैला देंगे। अब ढक देंगे। आप चाहो तो चीला में हल्दी भी डाल सकते हो संगवारी हो। चीला ला चेक कर लेते हैं, चीला सेका है कि नहीं सेका है। चीला हा सेका गया है। अब पलट देते हैं। पलट देंगे। चीला ला पलटे के बाद दूसरा साइड भी 2-3 मिनट तक सेकना है संगवारी हो। ये देखो दोनों तरफ से अच्छा से सेंक दिए। अब निकाल लेते हैं, ये देखो। अब तवा में और तेल डालेंगे और बचे हुए घोला फिर डालेंगे। मिला लेंगे घोला अच्छा से फैलाते हुए। अब चीला ला हम ढक देंगे। हम दूसरा चीला ला भी पलटा लेते हैं, ढक्कन खोल लेते हैं, पलटेंगे। 2-3 मिनट तक धीमी आंच में और सेकेंगे संगवारी हो, ताकि दोनों तरफ अच्छा से सेक जाए। हम जितना घोल तैयार कर रहे हैं उतना के चीला बना ले हैं संगवारी हो। ये देखो मस्त बने हैं। चीला और टमाटर की चटनी बहुत ही अच्छा लगते संगवारी हो। मेथी पत्ती वाले चीला बनाए के विधि आप मल्ला कैसे लगी कमेंट में बताऊँ। अगर ये विधि आप मल्ला अच्छा लगी सो ही तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।